वीओए न्यूज मिनट के साथ मैं हूँ सारा जमान। ओबामा इंतजामिया ने मिस्र को 4 F-16 जहाजों की तरसील रोकने का फैसला किया है। फैसले को मिस्र के मौजूदा सियासी बुहरान में फौज के किरदार पर अमरीकी तशवीश की एक वाज़ेह अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। स्पेन में गुज़िश्ता 41 साल के बदतरीन ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद कम अज़ कम 77 हो गई है। जाए वकूआ से अब भी मलबा उठाने का काम जारी है, जबकि वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। लीबिया के दारुलहकूमत त्रावलस में नामालूम अफराद ने मुतहदा अरब अमारात के सफारतखाने और सफीर की रहायशगाह को रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से हमलों का निशाना बनाया। तहम ख्याल है कि सफीर कंपाउंड में मौजूद नहीं थे और ना ही उनके जख्मी होने की इतला है। और फेसबुक ने साल के दूसरे क्वार्टर में $333 मिलियन मुनाफा जाहिर किया है और इसके शेयर की कीमत 18% बढ़ गई है। सिर्फ जून के महीने में ही दुनिया भर में लोगों ने रोजाना इस वेबसाइट पर 20 अरब मिनट सर्व किए। ये था वीओए न्यूज़ मिनट। खबरों की तफसीलात के लिए आइए urduvoa.com पर।